एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से फिल्म निर्माता करण जौहर सोशल मीडिया के यूजर्स के जबरदस्त निशाने पर आ गए हैं, जिस कारण करण जौहर अभी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वैसे करण जौहर का वक्त ही खराब चल रहा है, जहां एक ओर उनकी अगली फिल्म सूर्यवंशी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों के निशाने पर है। इसके बावजूद उनके दफ्तर के लोग अलर्ट नहीं है और उनकी मार्केटिंग टीम से फिर एक बड़ी गलती हो गई है और जिसका खामियाजा करण जौहर को भुगतना पड़ रहा है। शनिवार को ट्विटर पर धर्मा प्रोडक्शंस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के 6 साल पूरे होने की खुशी जाहिर की गई। इस खुशी में किए गए ट्विटर में निर्देशक डेविड धवन के बेटे अभिनेता वरुण धवन, निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट और निर्देशक शशांक खेतान को तो टैग किया गया ही, लेकिन फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे सिद्धार्थ शुक्ला और आशुतोष राणा को नजरअंदाज कर दिया गया। यही बात इंटरनेट यूजर्स को नागवार गुजरी है और उन्होंने करण जौहर की खिंचाई शुरू कर दी है। वंशवाद जैसे मुद्दे में फंसे करण जौहर लोगों के सवालों के जवाबों से बचने के लिए उन्होंने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स के कमेंट सेक्शंस को भी करण जौहर ने बंद कर दिया है, लेकिन उनकी ही कंपनी के इस नए ट्वीट ने एक बार फिर नेपोटिज्म के मुद्दे को फोकस में ला दिया है। और अब सिद्धार्थ शुक्ला के प्रशंसकों का कहना है कि अगर करण अपनी किसी फिल्म की सालगिरह मना रहे हैं तो उसमें सभी मुख्य कलाकारों का जिक्र क्यों नहीं किया गया। फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में सिद्धार्थ शुक्ला ने दूसरा मुख्य किरदार निभाया था। सेकंड लीड अभिनेता होने के बावजूद धर्मा प्रोडक्शंस के इस ट्वीट में सिद्धार्थ को अनदेखा किया गया। इसके अलावा आशुतोष राणा ने भी फिल्म में आलिया के पिता का अहम किरदार निभाया था और अब इस गलती की सजा भी करण जौहर को ही मिल रही है। If you discover your partner is cheating, does it give you the right to cheat? If I'm going to cheat because my partner is cheating, then I mean that's just a really ridiculous knee-jerk reaction to have. If a friend has had a really bad plastic surgery job, do you bring it up? No. It's the worst thing you can do. I feel like you're speaking from experience. Yes. Okay. Before that, I thought we could do maybe a very quick rapid fire round, if that works for you yes, guys. Yes, totally. You know, you said this fire, that's you started the fire. Yeah. So. Yeah. Okay, so I'd like for both of you to answer immediately after I ask the question, right? Who's first? I mean, you know. You do know that rapid fire has a certain kind of a process. You ask one, then you ask the other, and the one who wins gets a hamper. If none of this is happening, then I'm not playing. How about I buy you a coffee when we're done? Huh? Oh, you buy me a coffee.